भगवान श्री राधा कृष्ण की चरण कमलों में प्रणाम करके श्री व्यास जी महाराज, सरस्वती देवी एवं सदगुरुदेव के चरणों का ध्यान करते हुए अपने माता पिता सभी पूजनों का आशीर्वाद लेते हुए भगवान श्री बांके बिहारी मुरली मनु लाल से प्रार्थना करते हैं। गोविंद, हमको सद्बुद्धि देना, धर्म का रास्ता दिखाना, अपनी भक्ति कृपा दृष्टि सदा बनाए रखना। बुलेन्द्रावन हरी लाल की जय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीरित। श्री सूजी महाराज कहते हैं कि ऋषिवरों, कार्तिक के महीने में सालग्राम शिला का पूजन करने से सभी प्रकार के पाप ताप संताप दूर हो जाते हैं। वैसे तो सालग्राम शिला का मातम हर महीने रहता है, पर कार्तिक के महीने इसलिए विशेष बताया जाता है कि व्यक्ति पूरा साल अपने घर के कार्यों में व्यस्त रहता है। इसलिए हमारे सनातन धर्म में ऋषि मुनियों ने पहले विचार किया कि गृहस्थी अगर कहा जाए कि मुक्ति के लिए दिनों रात भजन करो तो गृहस्थी कैसे कर पाएगा। इसलिए सभी महीनों में कार्तिक, माघ और बैसाख तीन महीनों का सबसे ज्यादा श्रेष्ठ महात्म करा कि इनकी कथा श्रवण करो। इनमें भी कार्तिक का महीना श्रेष्ठ कर दिया कि कथा श्रवण करने से अगर एक महीने भी पूरे नियम धारण कर लेते हैं तो पूरे वर्ष का फल प्राप्त हो जाता है। क्योंकि गृहस्थ जीवन में थोड़ा सा समय निकाल के भी परमात्मा को भजा जाए तो जो ऋषि मुनि हजारों वर्ष तपस्या करते हैं उसका फल प्राप्त हो जाता है। परमात्मा जितनों को भी प्राप्त हुए हैं, किसी सन्यासी को नहीं हुए, किसी योगी तपस्वी को नहीं हुए, परमात्मा का जो अवतार होता है हमेशा गृहस्थी के घर में ही होता है। क्योंकि परम ब्रह्म का ये जरूरी नहीं है कि माँ के द्वारा ये अवतार लेना, वो तो प्रकट होते हैं, कभी गर्भ से प्रकट नहीं होते भगवान। केवल संसार के वास्ते पेट को जो ये दिखा देते हैं माँ के पेट को योग माया द्वारा कि ये गर्भवती है, परंतु भगवान प्रकट होते हैं। अगर परमात्मा भी गर्भ के अंदर आने लग गए तो परमात्मा में जीवात्मा में अंतर क्या रहेगा। वो केवल प्रकट होते हैं, हर जगह आते हैं कि भगवान प्रकट हुए और बाल रूप धारण कर लेते हैं। इसलिए परमात्मा के लिए समय निकाल करके भगवान की कथा श्रवण करना, कार्तिक के महीने में सालग्राम शिला का पूजन करना, यह अति श्रेष्ठ होता है। देवऋषि नारद जी ने राजा पृथु को बताया था और नारद जी को ब्रह्मा जी ने सुनाया और सूत जी ने सोनक आदि 88,000 ऋषियों को सुनाया। कहा कि ऋषिवरों, गंडकी नदी के उत्तर और गिरिराज के दक्षिण में 40 कोस की पृथ्वी मां क्षेत्र कही जाती है। गिरिराज पर्वत से लेकर के 40 कोस तक यानी कि 120 किलोमीटर और 84 कोस का ब्रज है, तो गिरिराज से 120 किलोमीटर तक मां क्षेत्र कहा जाता है और गंडकी नदी का भी क्षेत्र 120 किलोमीटर तक मां क्षेत्र कहा जाता है। जिस स्थान में गोमती चक्र और सालग्राम शिला रहते हैं निस्संदेह मुक्ति प्राप्त हो जाती है। हमेशा सालग्राम शिला की पूजा करो और साथ में गोमती चक्र का महत्व कोई जानते नहीं है, कोई रखते नहीं है, गोमती चक्र का भी पूजन अवश्य करना चाहिए। गोमती चक्र जो है सालग्राम शिला के साथ रख दो, उनकी भी पूजा किया करो। कहा जाता है कि कैसी भी घर में परिस्थिति हो, नौकरी में परेशानी आ रही है तो गोमती चक्र का प्रयोग होता है। गोमती चक्र को भगवान को शिव जी को भी अर्पित किया जाता है, विष्णु को भी किया जाता है, सभी देवताओं को। एक गोमती चक्र ऐसा है जो किसी भी देवताओं को निषेध नहीं है, ये भगवान विष्णु का स्वरूप है। गोमती चक्र की अंगूठी भी धारण करते हैं, धारण करके अंगूठी में जड़वा करके। यहां तक होता है कि कोई निसंतान व्यक्ति है गोमती चक्र को कमर में स्त्री धारण कर लेती है तो उसको संतान की प्राप्ति हो जाती है। किसी के व्यापार में वृद्धि नहीं होती तो गोमती चक्र को कपड़े में बांध करके रख लेते हैं तब भी उसमें प्राप्त पड़ जाता है। इसलिए गोमती चक्र की और सालग्राम शिला की पूजा का
उसका एक बूंद निर्माल भी धारण करने से अक्षय पद की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए गोमती चक्र को भगवान विष्णु का स्वरूप मानकर के पूजा करनी चाहिए और पूजा करके गोमती चक्र का जल ग्रहण करें और जल का छिड़काव करें। ज्ञानियों को मोक्ष और कामने देने वाला, गंगा पापों का नाश करने वाली, चंद्रमा तापों का नाश करने वाला और कल्प वृक्ष दीनता को नाश करने वाला है। परंतु साधु का संग यानी कल्प वृक्ष के द्वारा दरिद्रता नाश होती है। कल्प वृक्ष के नीचे बैठो, उसकी पूजा करो। कल्प वृक्ष की नीचे पूजा करने से, जैसे कल्प वृक्ष का ही अंश पारिजात को कहा जाता है, जो पारिजात का पेड़ लगाते हैं, तो उसके नीचे पूजा करने से, भगवान की आराधना करने से किसी भी प्रकार की कामना रखो, इच्छा पूरी होती है। और चंद्रमा से गर्मी जो होती है, चंद्रमा की रोशनी में शांत हो जाती है, चंद्रमा ठंडक देता है। परंतु साधुओं का संग, साधु के ऐसे हैं, साधुओं के दर्शन मार से पाप ताप संताप सब कुछ दूर हो जाता है, हर कार्य सिद्ध हो जाता है। इसलिए आधा गरीबी साधु के संग अगर सत्संग किया जाए तो मोक्ष भी उसकी तुलना नहीं कर सकते। संतों का संग सर्वश्रेष्ठ कहा जाता है। कार्तिक महीने का मातम इतिहास, इसको श्रवण करने से संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। इसकी महत्व की महत्वता बहुत ज्यादा अति श्रेष्ठ हो जाती है। श्री सुजी महाराज कहते हैं, ऋषिवरों ब्रह्म हत्या जैसे पाप भी इसी प्रकार से गोमती शिला की पूजा करने से नष्ट हो जाते हैं। कैसे भी पाप हो, मनुष्य को 10,000 वर्षों तक जो फल प्राप्त नहीं होता, जो भगवान विष्णु का चढ़ा हुआ नैवेद्य गोमती चक्र का चरणामृत नित्य प्रति पान करने से प्राप्त हो जाता है। सालग्राम शिला के पूजन में मंत्र तीर्थ भावना स्थिति इनके द्वारा भी पूजा कर सकते हैं। अगर सालग्राम शिला की पूजा करते हुए, भगवान की पूजा करते हुए कोई सामग्री नहीं है तो मन की भावना बना ले और मन की भावना के अनुसार भी पूजा करें, तब भी पूजा पूर्ण हो जाती है। इसलिए गोमती चक्र में जिसमें महीन द्वार होवे, वनमाला का चिन्ह होवे, जो भुक्ति मुक्ति फलदाता लक्ष्मी नारायण है, इनको कोई मनुष्य भक्ति से पूजित करता है मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। जिसमें एक चक्र होवे उसे सुदर्शन कहते हैं, जिसमें दो चक्रों में उसे नारायण कहते हैं, जिसमें तीन चक्रों में उसमें अच्युत कहते हैं, चार चक्रों उसे जनार्दन कहा जाता है, पांच चक्रों से वासुदेव, छह चक्रों से प्रद्युम्न, सात चक्रों से संकर्षण और आठ चक्रों से पुरुषोत्तम कहा जाता है, नव चक्र उसे नवव्यूह और दस चक्र को दशावतार कहा जाता है। विष्णु चक्र से चिन्हित जितने पत्थर हैं, उनमें अगर चक्र के चिन्ह हैं, तो चक्र के चिन्हों के द्वारा जितने चक्र के चिन्ह होंगे उतना ज्यादा श्रेष्ठ माना जाता है। नव चक्र सहित नव चक्र व्यू, दस चक्र दस अवतार, इनके दर्शन मात्र से सभी पापों से छूट जाते हैं। चक्र चिन्हित मूर्ति के पूजन से गुरु मंत्र तपस्या भावना स्थिति पूजा सामग्री ये नहीं होवे तब भी मुक्ति प्राप्त हो जाती है। केवल जल और तुलसी का पत्ता चढ़ाने से ही मुक्ति को प्राप्त हो जाते हैं। चाहे पवित्र स्थान हो, चाहे मलिच्छों का देश हो, कैसी भी स्थिति हो, कैसा भी जगह है, केवल गोमती चक्र वहां पर विराजमान है तो वहां पर वो क्षेत्र अच्युत हो जाता है, भगवान जनार्दन का स्वरूप माना जाता है। उसके मध्य में जिस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है वो तपस्वी पवित्र हो जाता है, जो भगवान का पूजन करता है वो जीवन मुक्त हो जाता है। सभी कामनाओं के वास्ते भगवान की पूजा करें, भगवान के सामने कीर्तन करें, भगवान की स्तुति करें,
भगवान के सामने अगर कोई गीत गाता है, भजन गाता है, भगवान को सुनाता है, तो भगवान जनार्दन उसको मोक्ष प्रदान करते हैं। भगवान के आगे बिगड़ा का शब्द कहता है, भगवान की योग्यता को प्राप्त होता है। जो कोई भगवान के आगे मृदंग बजा के नाचता है वो भगवान को बहुत ही प्रिय होता है। जो मनुष्य कार्तिक के महीने में भगवान के आगे नाचता है वो मनोवांछित फलों को प्राप्त कर लेता है भगवान के सामने नाचना। क्योंकि भगवान की भक्ति में अगर आप माला जपने बैठोगे थोड़ी देर तो मन ठीक रहेगा, पर थोड़ी देर के बाद में मन भटकने लग जाता है। आप देखना, वैसे आप चाहे संसार की गप कर रहे हैं, बेकार की बातें कर रहे हैं, निंदा चुगली कर रहे हैं, उसमें खो जाएंगे। समय का जान रहे, घर जाना है कि नहीं जाना, कि बातों में लग गए। पर अगर परमात्मा की माला जप रहे हो थोड़ी देर, तो जपोगे थोड़ी देर के बाद में मन विचलित हो जाएगा, इधर उधर होने लग जाएगा। मन विचलित होने जाने की माला फेरते ही पर मन का एकाग्रता नहीं होती, इसलिए आते हैं। जैसे मन जो होता है ये हमारी जीवात्मा है, इसके अंदर मन में विचार क्यों आते हैं? आप माला जपते हो, माला जपते समय क्यों आते हैं? भजन करते समय क्यों आते हैं? इस मन में भटकने का कारण क्या है? इस मन में भटकने का कारण है कि जब से सृष्टि रची है हमारी जीवात्मा का भी उस समय पर अवतरित हुआ था। ये ईश्वर के अंश थे, अपने परमात्मा ने अपने अंश से असंख्य जीवात्माएं पैदा करी। जो एक बार रच गई है वही रची हुई है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, जीवात्माओं की रचना की गई। रचना के बाद में हमारे फिर असंख्य जन्म हुए। कहते हैं ना, कोई सुपात्र संतान होती है, कोई कुपात्र होती है, पर हम कुपात्र संतानों में हैं, जो अपने पिता को छोड़कर के चले आए। जो सच्चे सुपात्र थे वो तो परमात्मा में लीन हो गए, परमात्मा के साथ में आज बड़े बड़े ऋषि मुनि तपस्या कर रहे हैं, भगवान के लोक को प्राप्त किया। उन्होंने तपस्या करी, कठिन परिश्रम किया। अगर आपको कुछ हासिल करना है तो कुछ तो मेहनत करनी पड़ेगी। किसी पद के लिए परीक्षा देनी है तो परीक्षा की तैयारी करनी पड़ेगी। भगवान वैसे नहीं मिल जाते। किसी पोस्ट के लिए आपको नौकरी चाहिए, सरकारी नौकरी, कितनी तैयारी करनी पड़ती है, शुरू से पढ़ना भी पड़ता है, पढ़ता है बालकपन से, ये भी तपस्या है। फिर उसके बाद इंटरव्यू की तैयारियां करनी पड़ती है, पेपर देने पड़ते हैं। ऐसे ही परमात्मा को प्राप्त करने के लिए हमें भी तो कुछ करना चाहिए ना। ये तो है नहीं कि भगवान तुरंत आ जाएंगे। योग विद्यार्थी होगा तो उसको प्राप्त हो जाते हैं। तो उसके लिए भक्ति, पूजा, पाठ, मन को एकाग्र करना पड़ेगा, कहीं कोई गलती नहीं हो। आप किसी को फोन मिलाते हैं, नंबर गलत मिल जाएगा तो नंबर गलत लग जाएगा। ऐसे परमात्मा के लिए पूरा नंबर सेव जिस दिन मिलेगा, जिस दिन मन बिल्कुल जुड़ जाएगा, परमात्मा प्राप्त हो जाते हैं। तो हमारे असंख्य जन्म हुए हैं, ये तो है नहीं कि इसी सृष्टि के। कई बार प्रलय हुई है, कई बार से असंख्य खरबों जिनकी कोई गिनती नहीं, इतने हमारे जन्म होते चले आ रहे हैं। कई बार भगवान हमारे सामने होंगे, कृष्ण अवतार में, राम अवतार में, हम किसी जानवर में हो, पशु पक्षी, उनके दर्शन भी किए, परंतु उनको बचा नहीं है हमने। कि भगवान कृष्ण सामने थे, लोग क्या कहते थे, छलिया है, मायावी है। भगवान को नहीं मानता था, केवल ऋषि मुनि मानते थे, और इसलिए उनको मोक्ष नहीं हुआ। अगर अभी भी भगवान किसी रूप में आ जाए ना एक बार, तो लोग उसकी परीक्षा करेंगे कि तुम प्रमाण दो तुम भगवान हो। तो इसलिए हजारों जन्मों का जो मेमोरी कार्ड चिप होती है, वो चिप हमारे यहां पर होती है मस्तक पे। जैसे आप डाटा सेव करते हैं कंप्यूटर में, तो कोई भी उसी फाइल को खोलना पड़ता है, और किसी फाइल को डिलीट करो, उसकी फाइल के अंदर फाइल में जाओ, जब डिलीट करोगे, उसी तरह से परमात्मा का, जब से हमारा जीवात्मा है, इसमें ना जाने कितनी फाइलें हैं। कहते हैं ना, कई लोगों को पुनर्जन्म याद आ गया, भीष्म पितामह को 100 जन्म याद थे, कि उनकी फाइलें खुली हुई थी, हमारी बंद नहीं। और जब हम भजन करते हैं ना, जो फाइलें होती हैं उनमें कोई ना कोई, जैसे मोबाइल चलाओ, कोई ना कोई फोटो सामने आते रहते हैं फाइल में, तो वो सामने आते रहते हैं, और जो भजन है ना उनको डिलीट करने लगा रहता है।
न जाने कितने जन्मों के पापों को डिलीट करता रहता है, और जब वो पाप डिलीट हो जाएंगे, पुण्य की फाइलें खुलेंगी, तो परमात्मा प्राप्त हो जाएंगे। इसलिए माला जप रहे, भटक रहा है, भटकने दो, आप आदत डालो। जब मुख्य तो नाम चल रहा है ना, आप जपते रहो। तो इसी तरह से जो परमात्मा के सामने कहता है, कहते हैं कि भगवान के सामने आरती करे, दीपक जलाए, मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरा परिपूर्णम भवते विष्णु स्मरण द्वे। हे प्रभु, ना मैं मंत्र जानता हूं, ना पूजा जानता हूं, ना क्रिया जानता हूं, मैं केवल आपकी शरण में हूं, आप जो मेरी पूजा को स्वीकार करें। नारद जी ब्रह्मा जी से पूछते हैं, पिता में कार्तिक के महीने का मातम और विधि को जिसके कहने से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद तुम साधु हो, बुद्धिमान हो, तुमसे ज्यादा कोई दूसरा साधु नहीं है। ये तुम्हारा प्रश्न लोक कल्याण के लिए हुआ है, लोक कल्याण के लिए तुमने इस प्रश्न को किया है। इस प्रश्न के द्वारा मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देता हूं। इस प्रश्न के द्वारा संसार का कल्याण होगा, क्योंकि तुम संत हो, और संतों को कहा जाता है संत हृदय नवनीत समाना, कहा कविन पर कही न जाना। संतों का हृदय जो होता है मक्खन के समान कोमल होता है, जो हथेली पे लेकर के पिघलने लग जाता है, ये सर्वथा उचित होता है। साधुओं का दर्शन जो है संसार के भय का नाश करता है, तत्व ज्ञानियों को मोक्ष प्राप्त कराता है। इसलिए मनुष्यों को हमेशा भगवत भक्तों का संग करना चाहिए। कार्तिक के महीने की महिमा है। एक समय पर मान पतिव्रता सत्यभामा ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे भगवान, मेरा जीवन धन्य है, मेरे माता पिता धन्य हैं जिन्होंने मुझे उत्पन्न किया, क्योंकि आपके 16,108 प्राणी हैं, उनमें सबसे ज्यादा मैं ही प्यारी हूं। मैंने कल्प वृक्ष सहित आदि पुरुष तुमको विधि पूर्वक नारद जी के लिए दान किया, तो मुझसे ज्यादा श्रेष्ठ कौन हो सकती है। हे प्रभु, जिस कल्प वृक्ष के दर्शन के लिए साधारण जीव तो तरसता ही है, देवताओं को ऋषि मुनियों को बड़े भाग्य से होते हैं, इंद्र के आंगन में रहता है, उसको लाकर के आपने मेरे आंगन में लगा दिया। हे नारायण, हे त्रिलोक के स्वामी, आप मुझे सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं, जितना लक्ष्मी को भी नहीं करते। इस कृष्ण अवतार में हमेशा मुझे गरुण पर साथ लेकर के भ्रमण करते हैं। ऐसा मैंने कौन सा पुण्य किया जिसके कारण मुझे इतनी धन वैभव त्रिलोकीनाथ और हर समय त्रिलोकीनाथ के साथ भ्रमण करना, संसार में रहना, जो लक्ष्मी को भी प्राप्त नहीं है वो कृष्ण अवतार में मुझे प्राप्त हो रहा है। भगवान श्री कृष्ण हंसकर के सत्यभामा का हाथ पकड़ करके कल्प वृक्ष के सामने ले गए। कल्प वृक्ष के नीचे ले जाकर के कहने लगे, हे देवी, तुम मुझे 16,108 रानियों में सबसे ज्यादा प्राणों के समान प्रिय हो, तुम्हारे समान मुझे कोई भी प्रिय नहीं है, तुम्हारे मन में क्या इच्छा है। सत्यभामा ने कहे, स्वामी, मैंने पूर्व जन्म में ऐसे कौन से कर्म किए थे जो आप मुझे त्रिलोकीनाथ प्राप्त हुए, क्योंकि हजारों वर्षों की तपस्याओं से प्राप्त नहीं होते। मेरा शील कैसा था, मैं किसकी कन्या थी, कौन थी, कृपा करके बताएं। श्री कृष्ण भगवान के लगे, देवी, पूर्व जन्म का वर्णन सुनो। सतयुग के अंत में मायापुरी में अत्रि कुल में उत्पन्न वेद वेदांग को जानने वाला देव शर्मा नाम का एक ब्राह्मण था। वो नित्य सूर्य भगवान की आराधना करता, मानो दूसरे सूर्य के समान तेजस्वी था। जो सूर्य की आराधना करते हैं उनका तेज बढ़ जाता है। अतिथि पूजन करता, अग्नियों की अग्नि में हवन करता, हमेशा वो परोपकार में लगा रहता। उसकी एक पुत्री थी जिसका नाम गुणवती था। उसके कोई संतान नहीं, पुत्र नहीं था, इसलिए उसका जो शिष्य था जिसका नाम था चंद्र नाम, उस शिष्य को ही अपने घर पर रख लिया और शिष्य को पुत्र के समान मानता और शिष्य के साथ में ही अपनी बेटी का विवाह कर दिया। एक दिन अपने शिष्य जो दामाद बन चुका था
दोनों ससुर दामाद हवन के लिए लकड़ी लेने के लिए हिमाचल पर्वत पर गए। वह उन्होंने राक्षस को घूमते हुए देखा। आज तो हमारा बड़ा सौभाग्य है जो हमको घरों में कथा प्राप्त हो रही है, शहरों में मंदिर बने हुए हैं। पहले समय पर ब्राह्मण नगरों के बाहर रहते थे, तो प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में लोग जंगलों में जाके कथा सुन के आते थे नदियों के किनारे ब्राह्मणों से, या उनके आश्रम में जाते थे। उस समय रास्ते में जंगल होता था, राक्षस मिल जाते थे और राक्षस खा जाते थे कई बार। पहले राक्षस मनुष्य का भोजन करते थे, आज राक्षस तो नहीं है। हाँ, रुकावट डालने वाले जो विघ्न है वो राक्षस हैं, पर कोई डर तो नहीं किसी का, हम स्वतंत्र हैं कथा सुनने के लिए। तो उस राक्षस ने उन दोनों को देखा, खाने के लिए चला, दोनों भयभीत हो गए और भयभीत होकर के भागने लगे। दोनों सुसुर दामाद को, उन दोनों को राक्षस ने पकड़ करके खा लिया। राक्षस के द्वारा भक्षण किए गए, वो सीधे बैकुंठ लोक को चले गए, क्योंकि हमेशा उन्होंने सूर्य की आराधना की थी। हे देवी, जो सूर्य की आराधना करते हैं, शिव जी की, गणेश की, सूर्य की, दुर्गा की और विष्णु की, ये पांच ओंकार हैं, इनकी पूजा करने वाला मुझको ही प्राप्त होता है, वो कहीं और नहीं जाता। पांचों में किसी की करो, क्योंकि हम पांचों ही एक हैं और एक नहीं पांच रूप धारण कर रखे हैं। जैसे वर्षा का जल आखिर में समुद्र को भी प्राप्त होता है, ऐसी लीला करने के लिए हम एक ही पांच बन गए हैं और हम पांच ही सृष्टि रचते रहते हैं। जैसे कोई देवत नाती पुत्र नाम का हो, उसके पीछे किसी प्रकार से, जैसे एक पिता की कई संतान होती हैं, एक आदमी के कई नाम हो जाते हैं, कोई किसी नाम से पुकारता है, कोई किसी नाम से पुकारता है, परंतु हम होते वही हैं। जैसे एक व्यक्ति है, घर में आता है, वो पति भी बन जाता है, पिता भी होता है, और ऑफिस में जाता है वो अफसर भी बन जाता है। इसी तरह से हम पांचों हैं। उन दोनों की मृत्यु के बाद उस समय पर गुणवती बड़ी दुखी हुई। गुणवती रोने लगी कि हे पिता, हे पति, मुझे छोड़कर के किधर चले गए, बिना तुम्हारे में क्या करूंगी, मुझे कौन पालेगा, मेरा कौन भरण पोषण करेगा, मेरा कौन रक्षण करेगा, भाग्य सुख आशा जीवन से मैं किसकी शरण में जाऊं, क्या करूं, किधर जाऊं, मैं अज्ञानी हूं, कैसे जीऊंगी। इस प्रकार से कुरी पक्षी की बात ही, वो रोने लगी, बिल्लाप करने लगी, होश आता, होश आकर के फिर बेहोश होकर के गिर जाती, रोदन करने लगती। आखिर में संत ऋषि मुनियों ने समझाया, उसने घर का सामान बेच करके पति और पिता की अंत्येष्ट क्रिया करी। अंत्येष्ट क्रिया करके गुणवती ने विष्णु भक्ति करने लगी। अब उसने जीवन का सारा केवल भगवान नारायण को मान लिया। उसने जन्म से मरण तक दो ही व्रत करे, एक कार्तिक का और दूसरा एकादशी का। दो उसने व्रत धारण करे, कार्तिक के महीने एक समय भोजन करती और एकादशी का व्रत रखती। कृष्ण जी कहते हैं, देवी ये दोनों व्रत जो हमें बहुत प्रिय हैं, ये मुक्ति पुण्य पुत्र संपत्ति देने वाले हैं। कैसे भी पापी हो, कार्तिक के महीने में स्नान जागरण तुलसी दीप जलाना और तुलसी वन लगाना, भगवान विष्णु की सेवा करना, ये करने से मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। अगर तीन दिन भी व्यक्ति भगवान विष्णु के मंदिर की जाके सफाई कर ले, भगवान के विष्णु की मंदिर की सफाई करना, सेवा कर ले, तो उसे मोक्ष प्राप्त हो जाता है, देवता भी उसकी वंदना करते हैं। और जो पूरे कार्तिक करता है तो उसका फल देवता भी नहीं कह सकते। गुणवती ने मन लगाकर के जीवन पर्यंत यही किया, तुलसी के वन लगाती, हमारे दोनों व्रत रखती, सत्संगों की सेवा करती, कार्तिक माघ वैशाख स्नान करती। इस तरह से आखिर में उसका बुढ़ापा आ गया। बुढ़ापे में बुखार आ रहा था, बुखार में भी कार्तिक का स्नान, क्योंकि इस समय सर्दी नहीं होती, उस समय कार्तिक के महीने में बहुत सर्दियां होती थी, कार्तिक के महीने में धुंध हो जाती थी, इंसान को इंसान दिखाई नहीं देता था, उंगलियां सूख जाती थी, आसन के नवरात्रों से ही सर्दियां शुरू हो जाती थी। तो ऐसी सर्दी में गंगा जी में स्नान करने को गई, बुखार आ रहा, धीरे धीरे उतरी। जैसी गंगा जी में उतरी, त
जैसे कमर तक जल में पहुंची उसके प्राण निकलने लग गए। उसी समय उसने आकाश से आता हुआ एक विमान देखा जिसमें मेरे पार्षद बैठे थे जिन्होंने शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए थे। आकर के विमान पर उन्होंने गुरुवती को बैठा लिया, उसकी जीवात्मा को बिठाया। कार्तिक के पुण्य से हमारे लोक को गई। जब देवताओं ने हमसे प्रार्थना करी पृथ्वी का भार उतारने के लिए आए तो हे देवी वो सब यादव मेरे ही गण है। तुम्हारा पिता देव शर्मा ही समय शत्राजित हुआ है और तुम्हारा पति चंद्र शर्मा उस समय जो था इस समय पर अक्रूर बना है और जो तुम गुणवती कन्याती हुई तुम सत्यभामा हो। हे देवी कार्तिक के व्रत के पुण्य से तुम हमारी प्रिय हो। तुमने तुलसी के जो वृक्ष लगाए बगीचे लगाती तुलसी की हमारे लिए मालाएं बनाती उसी कारण से तुम्हारे आंगन में कल्प वृक्ष लगा हुआ है। कार्तिक में दीप दान करा इससे तुम्हारे घर में धन की कमी नहीं है। तुमने जो व्रत किए उन दोनों व्रतों के प्रभाव से मैं तुम्हारा पति बना। हे देवी इसलिए तुम हमारी स्त्री हुई हो। तुमने सारा पुण्य हमें अर्पण कर दिया था। आप कोई भी पुण्य करते हो भगवान को अर्पण कर दो। तुमने जो पुण्य अर्पण किया जीवन से पर्यंत तक उसी कारण से कभी भी हमारा तुम्हारा वियोग नहीं होगा। इस अवतार के बाद में भी तुम हमको ही प्राप्त हो जाओगी। हे देवी जो हमारा ये व्रत कहते हैं पूरे भाव से कहते हैं पुण्य को मुझे अर्पण कर देते हैं। अब पूजा करने का कार्तिक माता के भी दो तरीके होते हैं। एक तो होता है कि आपने पूजा करी कथा सुनियो बस चल दिए। एक होता है भाव से श्रवण करी भाव से पूजा करी भाव से कथा सुनी और लास्ट में हाथ में जल लेके अपने घर जा कह दिया ही नारायण जो मैंने आज कथा सुनी है जो पूजा करी उसके फल को मैं आपको दे रही हूं अपने पास मत रखो भगवान को अर्पण कर दो। वो उसे कई गुना जैसे आप पैसा बैंक में डाल के आओगे कुछ ना कुछ तो ब्याज मिलेगा ही मिलेगा। आपने 100 रुपया बैंक में सेविंग कर दी तो वो 100 रुपया सेविंग हो गए खर्च नहीं होंगे। अगर जेब में रहेंगे आपके चाहे 1000 भी पड़े हो ना कहीं खर्च हो ही जाएंगे। इसी तरह से पुण्य हमारे पास रहेंगे ना तो कहीं ना कहीं अगर आपके पास पुण्य है अगर गुस्सा आ गया किसी को बद्दुआ दे दी या रास्ते में चल रहे हैं कोई जीव आपके पैरों के नीचे आ गया आपका पुण्य वहां पर खत्म हो जाएगा खर्च हो जाएगा। और जो भगवान के पास जमा कर दिया आपने तो कई गुना बढ़ता रहेगा इतना बढ़ जाएगा आपकी ब्याज को भी चुका देगा और लास्ट में आपका उद्धार भी कर देगा। इसलिए परमात्मा को अर्पण कर दो। भगवान कहते तो है ना कि जो कुछ कर्म करता है अच्छा हो या बुरा मुझे अर्पण करता चल। ये नहीं बुरा किया परमात्मा ने किया अच्छा किया मैंने किया। इस तरह से जो मुझे अर्पण करता है उसके सारे पापों को मैं नष्ट कर देता हूं। हे देवी इसलिए तुम्हारे समान हमें ना कोई प्रिय हुआ। जो लोग कार्तिक का मातम करेंगे व्रत तप करेंगे वो तुम्हारे समान ही मुझे प्रिय होंगे। कार्तिक के महीने के व्रत की 16वीं अंश कला के बराबर भी दान तप व्रत नहीं होता जितना कार्तिक का महीना होता है। इसलिए कार्तिक के महीने को पूरी श्रद्धा के साथ में करना चाहिए। बोले इंद्रावन बिहारी लाल की।